क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक तरफ जहां मानव जाति अंतरिक्ष की गहराइयों में गोते लगा रही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं भारत के कुछ क्षेत्र की मानव जाति पुरानी मानसिकता से भरा जीवन जीते हुए अभी भी अंधविश्वास में अटकी हुई है। जबकि अक्सर ऐसे अंधविश्वास भरे जादू टोने जीवन पर नुकसान कर जाते हैं। ऐसी अंधविश्वास से जुड़ी हृदय विदारक खबर बिहार के नालंदा में घटित हुई है, जहां ससुराल वालों ने गर्भवती महिला की हत्या कर उसे टोटका कर जीवित करने की कोशिश की है। दरअसल पूरा मामला बिहार के नालंदा जिले के लहिरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी स्थित हिरण्य पर्वत पर घरेलू विवाद में ससुराल वालों ने गर्भवती महिला की हत्या कर दी। इस घटना के संबंध में मृतका के परिजनों का कहना है कि सैंपुल कुमारी की शादी पिछले लॉकडाउन के दौरान बड़ी पहाड़ी निवासी नंदन कुमार से हुई थी। शादी के शुरुआती दौर से ही पति के द्वारा हर छोटी से छोटी बात को लेकर पत्नी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। वहीं आज भी किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पति के द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि विवाहिता 3 महीने से गर्भवती थी। इस घटना में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ससुराल वालों के द्वारा अंधविश्वास में गर्भवती महिला की हत्या कर शव के पास भक्ति गीत और टोटका करना शुरू कर दिया, जिसमें आसपास के पड़ोस की कुछ महिलाओं ने भी साथ दिया। यहाँ यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रोम जलता रहा नीरो बांसुरी बजाता रहा। इसी कहावत को इस दरिंदे पति ने चरितार्थ कर दिया। मृतका के परिजनों के अनुसार गर्भवती महिला की हत्या कर उसे जिंदा करने के लिए काला टोटका करना शुरू कर दिया, जिससे कि मृतका जिंदा हो जाती है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा के अंधविश्वास से जुड़ी ये खास खबर। सबसे पहले हम आए हैं तो यहाँ पर बताया गया कि अपने से मर गया है, दूसरी बार है कि करंट लग के मर गया है, और तीसरी बार उन्हीं का घर लोग बोला कि फांसी लगा के मर गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर, इन्होंने मारा है। और लड़का ये 11 महीना पहले ही हुआ है इसका शादी, यहाँ से बिल्कुल बहुत ख़त्म टाइप का ही सब लग रहा है, एक्टिविटी घाग लग रहा है। ये सब दहेज लोभी लगता है सर, कि किसी के बेटे को लाए और शादी कर करके हत्या करे फिर दोबारा शादी करे। ये मैंने मरने के बाद कुछ कर रहे थे क्या, अखंड कीर्तन कुछ भी? हाँ हाँ, यहाँ पर औरतों लोग की भीड़ लगे हुए थे सर, और कुछ किताब लेकर के पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ईसा मसीह का कोई ऐसा चर्च टाइप का कोई ऐसा कर रहा था जिससे लड़की को जिंदा करने का प्रयास कर रहा था। ये सब अनभक्ति है सर इन लोग के पास। हत्या ये लड़की को प्रति दंड हद गोज करता था। 11 महीना मात शादी का हुआ था, उसके बाद शादी का हुआ था, उसके बाद ये जब भी जाता था वहाँ मारना पीटना डेरी करता था, यहाँ भी आया और उसके बाद लड़की को जान मार दिया ये। और उसके बाद ये कभी कुछ कह रहा है कि कैसे मर गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसके मतलब ये मर्डर है। मर्डर के बाद क्या कर रहा था? मर्डर के बाद सब लोग हरि कीर्तन करके जिंदा कर रहा था उसको, भर 10 गोगत बगा के गीत गा रहा था, ईसा मसीह का गीत गा रहा था कि जिंदा कर देंगे। वो जिंदा होने का तो चीज़ है नहीं मरने के बाद। ये सब नौटंकी है, पूरा मर्डर है ये। पहले से ही मारपीट करता था? हाँ, डेली मारपीट होता था, बराबर फोन आता था कि हमको मारता है पीटता है। शादी कब हुआ था? शादी 11 महीना पहले हुआ है, और लड़की 3 महीना का पेट से भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ।